हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज मतलब ये है कि दिन भर मतलब ऐसा है, मौसम पूरा दिन भर का बना हुआ है, लेकिन रात 1:30 बजे से उठा हुआ हूँ। रात इतनी बारिश थी, एक तो मैं टीन वाले छत में उसमें सो रहा हूँ जिसमें टीन वाली छत है, तो वो रात भर टन टना टन टन टना टन टन टना टन, ओहो जो बरसा है रात भर। तो ये देख रहे होंगे आप, पूरा मौसम बिल्कुल ख़तरनाक हुआ पड़ा है। अभी दुकान से फ़ोन भी आ रहा है, तो दुकान में जाता हूँ, वहाँ भी काफ़ी भीड़ भाड़ हो रही है। आप देख रहे होंगे रात भर बारिश थी, बिल्कुल ये देखिए चारों ओर बिल्कुल मौसम ऐसा हो रहा है कि शायद कहीं लग रहा है कि बर्फ़ पड़ने वाली है, या बिल्कुल या कहीं पड़ रही है, बिल्कुल चमक रहा है। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल दुकान के आगे से गाड़ियाँ गाड़ियाँ लगी हैं, काफ़ी भीड़ हो रही है। ये देखिए, ये मैं अंदर जा रहा हूँ, ये देखिए पूरा हॉल खचा खच भरा हुआ है। दोस्तों, दुकान का काम भी सब निपट चुका है, ये गाड़ियाँ सब, ये बड़ी ट्रेवल जा रही है, ये अपने मोनू भाई हैं, ठीक है। काफ़ी भीड़ थी, तो अब ऐसा है कि अब हम अपना, और अभी आज नदी पार भी काम लगा रखा है, वहाँ सुबह ही लेबर पहुँच गए हैं मंदिर का जो काम है, तो अभी खाना पीना खा करके सीधे दौड़ लगाता हूँ नदी पार को, देखता हूँ वहाँ पर क्या क्या हो रहा। लेकिन रात भर बारिश थी, रात भर बारिश, पूरा कीचड़ कीचड़ हो, ये नज़ारा है देखो आप, रात भर बारिश हुई है। रात भर रात सोया नहीं हूँ, 1:30 बजे से टंग 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 जो कह रहा था ना मैं, वही हो रही है। तो अभी तो मैं रेस्टोरेंट में आ गया हूँ, तो काफ़ी भीड़ भाड़ हो रही थी। ये गर्म पानी का नज़ारा है बरसात का, ये देखो, ये देखो, ये दुबके पड़े हैं, देखो अंदर, पूरी बारिश ही बारिश, आहा सन्नाटा पड़ा हुआ बारिश की वजह से। तो देखो, शाव और कुकुरा ब्याह होना, शाव और कुकुरा ब्याह होना, अल्लाह तक तो रात भर भैया ये तो बरखे रही थी, अभी घाम निकल पे रहे, वो घाम में निकलो ना, बरख ले उन्हें, ये है रो यार, ये है कुदरत का कहर। वो कहते हैं अलग खोल दे पलक, वो शिव जी ने थोड़ दिले थोड़ देर लीजिए पलक के खोली। अब जाता हूँ नदी पार, ज़रा देख करके आता हूँ क्या है कैसा है वहाँ पर, काम वाम चल रहा है। दोस्तों, मौसम का कोई अंदाज़ ही नहीं आ रहा है, फसल रात भर बारिश, अभी ये देखो फसल धूप भी निकल आई है, होने को तो बादल काफ़ी लगे हैं आप देख रहे होंगे। ये देखो, ये पूरे रानी खेत साइड में बादल लगे हुए हैं, और ये पानी देखो, ये पानी भी बहुत बढ़ चुका है, ये झूला, एक पुल बना रखा है, ये पैदल पुल। मेरे साथ रोहित भी आया है, रोहित तो यहाँ सुबह सब मैं मतलब मिस्त्री लगा करके घर से ले गया था। जय बजरंगबली। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर मंदिर प्रांगण में, इस तरफ पूरा आदमी लगे हुए हैं काम पे, आप देख रहे होंगे। सब खत्म हो गया था यार, अभी निकाल देगा सही रहेगा। तो आप देख रहे होंगे पूरा कीचड़ कीचड़ हुआ पड़ा है घर के। तो दोस्तों यार, काम शुरू भी कर दिया है, आप लोगों का सहयोग चाहिए, तो जो भी आपसे बन पड़े तो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 90 126 42 680, 90 126 42 680। तो अब यहाँ पर सहयोग वाली बात है, तो सामाजिक कार्य है, आगे आइए, सनातनी कार्य कर रहे हैं। तो अभी कुछ लोग आ पहुँचे हमारे पास, महाराज तो वहीं दुकान पे आकर के दे गए थे मेरे को 2100 रुपये। तो बाकी ऐसा है, अभी
दो चार लोगों ने ऑर्डर दिया है तो चल रहे हैं, तो आप भी सहयोग करें इसमें। और 21-22 मार्च को जैसे कि पहले से अखंड रामायण के बाद भंडारा हुआ करता था, तो वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसमें आपका सहयोग चाहिए हमें। तो और आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे ऐसा है ये वीडियो औरों तक भी पहुँचे और वो यहाँ पर की जो स्थिति है उससे रूबरू हों और जो भक्त लोग हैं वो आगे आएँ, सहयोग करें, यही आपसे गुजारिश है। तो आज तो काम शुरू हो गया है, लास्ट लास्ट मेन है इसमें पेंट का काम, पेंट पूरा ही होना है। तो कम से कम 20-30 लीटर पेंट लगेगा उधर पूरा, इधर चारों ओर, इसके चारों ओर गेट हो गया, ये पीछे शिव का मंदिर हो गया और ये नीचे जो है आप देख रहे होंगे, ये नीचे सब जगह पेंट का ही काम है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। शेयर करने से ऐसा है ज़रा और भी पहुंच जाएगी यार वीडियो, और थोड़ा सा हमें भी हेल्प मिल जाएगी। सामाजिक कार्य है, सामाजिक कार्य में आगे आएँ। और फिर ऐसा है, धर्म का काम है, कोई किसी का अपना पर्सनल कुछ भी नहीं है इसमें, धर्म का काम है। तो एक ही रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से, तुम्हारे आज इसको ऊपर कर दो, फिर ऊपर की वो चट्टी खोल करके ऊपर से चट्टी कर देना बिल्कुल अच्छी वाली ढलान के साथ, ठीक है। तो दोस्तों ये रोहित जी भी यहाँ पर हैं, दो शब्द आपसे कहेंगे, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो आज से कर दिया काम स्टार्ट मंदिर का, तो आज तो नीचे की फिनिशिंग होगी, कल छत की फिनिशिंग डलने वाली है। अभी तो बोल रहा है मिस्त्री भी, नीचे सरिया भी पानी छोड़ लिया वाला ऊपर से, देखो कब तक होता है अभी काम। अभी पूरा 2-3 दिन तो लगेगा, उसके बाद पेंट का काम स्टार्ट होगा। पेंट यहाँ भी होना है, इधर भी पीछे मंदिर में भी होना है और यहाँ भी होना है। बाकी फिर सीढ़ियों वगैरह का काम भी कराना है, प्लास्टर वगैरह ये सब करवाने हैं। ये काम होंगे परसों सीढ़ियों वाला, उसके बाद अगले महीने भंडारा भी करवाना है। दोस्तों बड़ी मुश्किल से आज ये काम लगा दिया, क्योंकि लगातार बारिश ही बारिश थी। उन्होंने कहा आज करेंगे, कल करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, कभी कुछ और लगातार आज मतलब ये चौथा दिन हो गया बारिश को, तो ये काम कभी के शुरू हो गया होता, कभी ख़त्म हो गया होता ये काम। बाकी पेंट वेंट का काम चल रहा होता तो पेंट वाला आएगा। अरे पेंट बात हो गई तेरी, इनका ही है, इनका है, चलो इनसे बात करते हैं, पेंट के लिए बात करते हैं। तो एक तो यहाँ पर लेबर की बड़ी समस्या है भाई साहब, लेबर नहीं मिल रहे हैं भाई, ढूंढते हालत ख़राब होगी, लेबर नहीं मिला। फिर दो मिस्त्री लगे हुए हैं यहाँ पर, ये थोड़ा बहुत बारी वाला रेता लेकर के आ गए थे। तो एक ही चीज़ है यार दोस्तों, यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे ये वीडियो और भी पहुँच जाए, ठीक है। बाकी क्या कहूँ यार, ऐसा धर्म का काम है तो धर्म के काम के लिए आगे आएँ। तो ये 21-22 अप्रैल से अखंड रामायण के साथ भंडारा भी शुरू हो जाएगा। तो वीडियो यहीं पर ही समाप्त करता हूँ मैं अभी, ठीक है। और आगे आपका काम है, इसको आगे बढ़ाना, ठीक है। ओके, बाय बाय।